बिहार एक ऐसा राज्य है जो भारत की गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। ये वही राज्य है जिसने जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को जन्म दिया एंड नालंदा एंड विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज की नींव रखी। लेकिन ब्रिटिश राज्य आजादी के बाद के कई सालों तक बिहार का डाउनफॉल होता रहा एंड इसकी ग्रोथ रेट काफी स्लो थी, जिसकी वजह से बिहार बीमारू राज्य बन गया। लेकिन रीसेंट टाइम्स में बिहार में काफी चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स देखने मिल रहे हैं, तो इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार की ग्रोथ पोटेंशियल, करंट इम्प्रूवमेंट्स एंड आगे क्या कर सकते हैं जिससे इसकी ग्रोथ को एक्सपेडाइट किया जा सके। रिसेंटली बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें 300 कंपनीज ने MOU साइन किया। इसमें 15 की इंडस्ट्रीज में 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्लान किया गया है। तो चलिए जानते हैं इंडस्ट्री वाइज की मेजर इन्वेस्टमेंट कहाँ आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक की। इसमें अडानी ग्रुप ने 8,600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है सीमेंट इंडस्ट्री में। ये इन्वेस्टमेंट वर्सालीगंज डिस्ट्रिक्ट में आएगी, जहां अडानी ग्रुप 2 सीमेंट प्लांट्स को सेटअप करने का प्लान करेगा। ये प्लांट 3,000 लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकता है। अडानी का एक और प्लान है टू इन्वेस्ट 1,200 करोड़ इन वेयरहाउस एंड गोडाउन सेक्टर। इसके लिए 6 लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई हैं: बेगूसराय, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज एंड अरारिया। एडिशनली अडानी ग्रुप का प्लान है टू इन्वेस्ट 200 करोड़, जिससे कि जो नालंदा एंड गया की गैस सिटी नेटवर्क है उसको इन्हेंस किया जा सके। इसी के साथ यहाँ पर अंबुजा सिटी भी आ रही है, जो फर्स्ट लाइफ स्टाइल प्रोजेक्ट रहेगा बिहार का। सो बेसिकली दिस इंक्लूड्स 5-स्टार होटल इन कोलैबोरेशन विद ताज। उसी के साथ यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग होगी, ऑफिस स्पेसेस होंगे एंड मॉल्स भी होंगे। बिहार की टोटल पॉपुलेशन 10 करोड़ है, जिसमें से 58% यूथ पॉपुलेशन है, विच शोज ह्यूज पोटेंशियल। उसी के साथ यहाँ पर गंगा रिवर भी है, जो इसको एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बात करते हैं पावर एंड एनर्जी सेक्टर की। इसमें सबसे पहला है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL। BPCL भारत की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस की कंपनी है, जिसने 7,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान किया है इन बिहार। BPCL के ऑलरेडी LNG प्लांट है बांका एट ईस्टर्न चंपारण में, एंड इसी के साथ जो नई इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके लिए करेंटली ये लोकेशन को फाइनलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट अप वी हैव हॉटेक इंटरनेशनल। ये एक US बेस्ड कंपनी है जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस करती है। हॉटेक इंटरनेशनल ने बिहार में 2,200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है इन बिहार नवादा डिस्ट्रिक्ट। चलिए अब बात करते हैं चंद्रिका पावर प्राइवेट लिमिटेड की, जिसने बिहार में 308 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है। इस कंपनी का फ्यूचर प्लान है कि ये बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाए। इससे जो स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड सेक्टर की। इसमें सबसे पहले बात करेंगे पटेल एग्री इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड की। इन्होंने 5,230 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है, जो काम करेगी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। इस कंपनी का फ्यूचर प्लान है कि बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगी। अब बात करते हैं डेव इंडिया प्रोजेक्ट एंड स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड की। इन्होंने बिहार में 1,600 करोड़ का प्रोसेसिंग प्लांट बनाने का प्लान किया है। इस कंपनी का फ्यूचर प्लान है कि बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में अपने इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज से जो लोकल फार्मर्स हैं उनकी मदद कर पाए। अब बात करते हैं वरुण बिवरेजेस की, जिसने बिहार में 674 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है। इस कंपनी का फ्यूचर प्लान है कि ये बिहार में अपने सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड को लॉन्च करे एंड फ्यूचर पे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जरूरत को पूरा कर सके। वरुण बिवरेजेस अपना बॉटलिंग यूनिट को बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में बना सकती है। अब बात करते हैं IT सेक्टर की। रिसेंटली बिहार ने 1,778 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है, जिसमें कुछ की कंपनीज शामिल हैं, जैसे कि EMD एंड टाइगर एनालिटिक्स। टाइगर एनालिटिक्स एक US बेस्ड कंपनी है जो एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड बिजनेस में काम करती है। टाइगर एनालिटिक्स का हेडक्वार्टर सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में है। टाइगर एनालिटिक्स ने बिहार की पटना डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है। चलिए अब बात करते हैं CTRL ID सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की। ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो IT सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज में अपने बिजनेसेस को करती है। इसने भी बिहार की पटना डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की। इसमें सबसे पहला नाम है अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड का।
था। अपोलो ने बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है। इनका फ्यूचर प्लान है कि ये बिहार में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए। चलिए अब बात करते हैं इंडो यूरोपियन हार्ट हॉस्पिटल्स की। ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो हेल्थ केयर रिलेटेड बिजनेसेस में काम करती है। इन्होंने बिहार की पटना डिस्ट्रिक्ट में 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है, जिससे ये अपना कार्डिक केयर सेंटर बना सकते हैं इन बिहार। अब चलते हैं टूरिज्म सेक्टर की ओर। इसमें सबसे पहला नाम है लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड का। इन्होंने बिहार के बिजनेस कनेक्ट में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है। इस कंपनी का प्लान है कि बिहार के वेरियस डिस्ट्रिक्ट में अपने होटल्स को खोले। इससे स्टेट के टूरिज्म सेक्टर को भी फायदा मिलेगा। वहीं हयात ने भी बिहार में 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवाया है, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करेगा। हयात का फ्यूचर प्लान है कि ये बिहार के बोधगया में अपना लग्जरी होटल बनाए। गवर्नमेंट ने 3 फाइव स्टार होटल्स को अप्रूव किया है अंडर PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अलावा भी गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन बिल्डिंग 2 IT पार्क्स, 1 डक बंगलो जो कि 25 एकर्स में पटना में बनाया जाएगा। उसी के साथ स्मॉलर एंड लार्जर ऑफिस स्पेसेस भी बनाई जाएगी, जो बेसिकली ट्रेड टावर्स होंगे, जिसमें जो स्टार्टअप्स और नए बिजनेसेस हैं वो वहाँ पर ऑफिस खोल पाएंगे। स्टेट ने मल्टीपल एयरपोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए भी इनिशिएशन लिया है। वहीं जो दरभंगा का एयरपोर्ट है वो उड़ान स्कीम के अंदर वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट की तरह उभरा है एंड विच शोज द एयर पोटेंशियल आल्सो। इसको देखते हुए बिहार गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो अपने मुजफ्फरपुर एंड बेगूसराय के एयरपोर्ट्स को भी ऑपरेशनलाइज करेंगे। ये सारे इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट प्लान बिहार के जो न्यू डेवलपमेंट है उसके लिए एक नए चैप्टर को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आप जानते हैं कि बिहार इतना ग्लोरियस पास्ट होते हुए भी आज एक डेवलप्ड स्टेट क्यों नहीं है। कॉलोनियलिज्म के पहले बिहार एक डाइवर्स एंड प्रॉस्पेरस स्टेट था, लेकिन फिर ब्रिटिश राज में बिहार के साथ बहुत सारे अन्याय हुए। जैसे ब्रिटिशर्स ने ईस्टर्न इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया में अलग अलग टैक्स सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। वेस्टर्न रीजन में मद्रास एंड बॉम्बे आते थे एंड यहाँ का जो टैक्स था वो उनके आउटपुट पर डिपेंड करता था, लेकिन ईस्टर्न रीजन जहाँ पर बिहार आता था वहाँ पर उन्होंने जमींदारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। एंड इसका एक रीजन हम ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम बिहार बहुत संपन्न था, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा खींचा जा सकता है। ब्रिटिशर्स ने बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, जिसके हिसाब से जो सिर्फ जमींदार थे उनको पूरी की पूरी जो जमीन है वो दे दी गई और उनको एक फिक्स्ड टैक्स देना पड़ता था। बट क्योंकि एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है वो ईयरली बेसिस पे चेंज होता रहता है, तो आप एक फिक्स अमाउंट जब भी दोगे तो आपको लॉस होने लगेगा। एंड इसकी वजह से बिहार के जो किसान हैं उनको काफी लॉस सहना पड़ा एंड इवेंचुअली उनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो नष्ट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि बिहार में कोल और आयरन ओर के रिसोर्सेज अवेलेबल थी, जिसे ब्रिटिशर्स ने कम मूल्य पर बेचना स्टार्ट कर दिया। बिहार की कोल माइन से निकला हुआ कोल जो था वो बंगाल एंड बॉम्बे की फैक्ट्रीज में बेच दिया जाता था एंड इसमें बिहार को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने बिहार की जो हैंडलूम एंड सिल्क इंडस्ट्री थी उसे भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उन्होंने जो बिहार में बने कपड़े थे उस पर हाई टैक्स लगाया और जो खुद के मशीन मेड कपड़े थे उनको वो चीपर रेट में बेचने लगे। इससे इवेंचुअली जो बिहार के वीवर्स थे उनको लॉस होने लगा एंड ये इंडस्ट्री भी काफी वीक हो गई। फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन उसके बाद भी जो बिहार की कंडीशन है उसमें कुछ खास इम्प्रूवमेंट देखने नहीं मिला एंड ये जो डेवलपमेंट नहीं हुआ इसके लिए काफी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। वही जो बिहार के कोल एंड आयरन ओर के रिसोर्सेज थे उसका फायदा भी बिहार को ना मिलकर बाकी की स्टेट्स को मिल रहा था। इसका मेन रीजन था कि जो सारी स्टेट्स हैं उनमें इक्वल ग्रोथ को प्रमोट किया जाए। इसमें आप किसी भी स्टेट में फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं एंड जो रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा है उसमें गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। इससे जो बिहार के रिसोर्सेज थे उनको दूसरे स्टेट्स में ले जाया गया जहां पर फैक्ट्रीज थी एंड इसका बिहार को प्रॉपर फायदा नहीं हो पाया। बाद में 1992 में इस लॉ को हटा लिया गया था, लेकिन तब तक एक बड़ा टाइम पीरियड जो था वो ऑलरेडी जा चुका था। एंड जो सबसे बड़ा लॉस बिहार को हुआ वो थी कास्ट पॉलिटिक्स एंड इससे जो पावर थी वो कुछ लोगों के हाथों में ही सीमित रह गई एंड जो क्राइम और करप्शन था वो भी स्टेट में काफी ज्यादा बढ़ गया। ये क्राइम रेट बिहार में इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बिहार अपने क्राइम के लिए पूरी कंट्री में फेमस हो गया था एंड कई लोग तो डरते थे बिहार का नाम सुनकर। एंड इन शॉर्ट बिहार की जो स्थिति थी वो और भी खराब हो गई। फिर जब स्टेट की कंडीशन और स्टेट में उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी तो लोग बाहर जाने लगेंगे एंड फिर माइग्रेशन भी बिहार में एक बड़ा मुद्दा बन गया। एंड ये सिर्फ मजदूर वर्ग तक ही लिमिटेड नहीं था, जो मिडिल क्लास लोग थे वो अपने बच्चों को और जॉब अपॉर्चुनिटी एंड पढ़ाई के लिए बाहर भेज रहे थे एंड बहुत सारे लोग जो है उनको अपना स्टेट छोड़कर जाना पड़ रहा था।
कि बिहार में बहुत पोटेंशियल है, वहाँ के लोग इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जब आपकी आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन बाहर चली जाएगी तो बिहार में उसको ग्रो करने के लिए कौन ही काम करेगा। तो फाइनली कुछ ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो इंसानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो चलिए जानते हैं कि कौन से पॉइंट्स पे बिहार को ध्यान देना चाहिए जिससे बिहार की ग्रोथ रैपिडली हो पाए। इसमें सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बिहार को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन को डेवलप करना चाहिए जिसकी वजह से जो बिहार की कनेक्टिविटी है एंड एक्सेसिबिलिटी वो बढ़ पाए। बिहार में अभी कई मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे या फिर जो पटना मेट्रो है वो। बिहार को अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि वहाँ पर जो इंटरनेट है उसकी स्पीड तेज हो सके और जो ई सुविधा है उनका भी लोग जो है वो फायदा उठा पाए। नेक्स्ट अब वी हैव एग्रीकल्चर इनोवेशन। बिहार में बहुत सारा लैंड है जो एग्रीकल्चर के लिए काफी अच्छा है एंड बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड भी करती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अभी वो लोग जो उगा रहे हैं वो अपने लिए ही उगा रहे हैं एंड बाहर उसको भेज नहीं पा रहे हैं जिससे कि उससे वो पैसा कमा पाए। तो इसलिए उनको इस सेक्टर में इनोवेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए जिससे जो बिहार के किसान है वो उचित मूल्य पे अपनी जो फसल है उसको बाहर भी बेच पाए अपने स्टेट के बाहर। वही वाटर मैनेजमेंट भी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि हर साल हम कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं कि बिहार में बाढ़ आ गई है एंड लोग इस वजह से परेशान है एंड कई लोग इस वजह से भी बाहर माइग्रेट कर जाते हैं। नेक्स्ट अब वी हैव इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्राइज सपोर्ट। बिहार को अपने इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्राइजेस सेक्टर पे भी ध्यान देना चाहिए जिससे वो अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को भी सुधार पाए। उसी के साथ बिहार को कुछ इंसेंटिव्स भी देने होंगे जिससे कि वो बड़ी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाए और जो बिजनेस है वो बिहार में अपने को ओपन करें एंड इस्टेब्लिश करने का प्लान करें। बिहार को अपने कोल एंड आयरन ओर रिसोर्सेज का भी फायदा उठाना चाहिए जिससे बिहार की स्टील एंड जो पावर इंडस्ट्रीज है उसको भी ग्रोथ मिले। बिहार का जो सफर है वो पौराणिक इतिहास से लेकर जो फ्यूचर डेवलपमेंट है उस तक हम सबको साथ मिलकर तय करना होगा। आई नो देयर आर मेनी चैलेंजेस लेकिन एक सस्टेनेबल ग्रोथ को हम फिर भी अचीव कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ग्रोथ जर्नी? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड आपको ये कंटेंट कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताइए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।